भाई साहब, टमाटर कितने महंगे हो गए। आपके यहाँ क्या रेट मिल रहा है भाई? मैं गया टमाटर लेने के लिए तो 200 रुपए किलो थे पहले, 3 4 दिन बाद फिर 120 रुपए किलो आया। क्या खाए भाई, हर सब्जी में तो टमाटर ही पड़ता है। चलिए आज मैं लेके आया हूँ बिना टमाटर के सब्जी। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। तो बिना टमाटर के, और बारिश का मौसम है, ऐसी ही सब्जियां महंगी हो गई हैं और मिल भी नहीं रही हैं। तो चलिए मैं बेसन की सब्जी बनाऊंगा बिना टमाटर, बिना प्याज, बिना लहसुन। देखिए कैसे बनती है, बहुत अच्छी सब्जी बनती है। पहले जमाने में दादी हमारी बनाया करती थी, क्योंकि सीजनल टमाटर मिलते थे, जाड़े में टमाटर बस मिलते थे। अब तो हर मौसम टमाटर मिलता है, लेकिन वही दिन आ गया भाई, टमाटर इतने महंगे हैं कौन यूज करेगा। चलिए बिना टमाटर के बनाते हैं। अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा और मुझे आगे तक बढ़ा दीजिएगा। चलिए चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 2 कटोरी बेसन लिया है, 2 चम्मच फ्रेश दही ली है, 1 चम्मच नमक और हल्दी लिया है, 1/2 टीस्पून। एक बड़ा सा बोल मैंने लिया है, इसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। दही मैंने इसलिए डाला है, दही से थोड़े से जो गट्टे बनेंगे ना बेसन के, वो सॉफ्ट कर बनेंगे। सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करने का, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम लम्स फ्री बैटर बना लेंगे। टोटल मैंने 3 कटोरी पानी डाला है, 1 कटोरी बेसन तो 3 कटोरी पानी, और बिल्कुल पतला घोल बना के तैयार कर लेंगे। कढ़ाई गरम हो गई, मैंने 1/2 टीस्पून ऑयल डाला, ज़ीरा डाला और हींग डाला। जब ये चटक जाए तो यहाँ पे मैंने घोल डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। गैस की फ्लेम आपको मीडियम टू हाई कर देनी है और इसे कॉन्टिन्यूस चलाते रहना है, ज़रा भी आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये चिपक जाएगी कढ़ाई में और आपका बैटर जल जाएगा। 4 से 5 मिनट तक मैंने इसे पकाया है। ये देखिए कढ़ाई छोड़ने लगी है, इसका मतलब बेसन हमारा परफेक्टली कुक हो चुका है। एक थाली में मैंने ऑयल लगाया और इस बेसन के बैटर को इस पर लगा दिया है। थोड़ी ठंडी हो जाए तो हम इसे कट कर लेंगे। कट मार्क्स मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, मैं छोटे छोटे पीसेस में इसे कट करूँगा, बिल्कुल पनीर की साइज़ का मैं इसे कट करूँगा। देखने में भी सुंदर लगती है, आप कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा कितना अच्छा सॉफ्ट पीस बनकर तैयार हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। तेल हमारा गरम हो गया तो पीसेस को मैं फ्राई कर लेता हूँ। दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे शैलो फ्राई किया है, आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं। बिना तले भी आप इसे बनाओगे तो भी अच्छा लगता है। दोनों तरफ से मैंने सेक लिया, ये देखिए सारे पीसेस को मैंने सेक लिया। मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले मैंने 1/2 कटोरी यानी 100 ग्राम के लगभग दही लिया है, 1.5 बड़े चम्मच मैंने धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच मैंने सब्जी मसाला लिया हुआ है, 1 चम्मच भर के मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। थोड़ा सा पानी मिला के इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। 2 चम्मच ऑयल लिया है मैंने, यहाँ पे ज़ीरा डाला 1/2 टीस्पून, तेज़पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च, 8 से 10 करी पत्ते, पिंच ऑफ हींग मैंने डाला है, यहीं पे अदरक और हरी मिर्च, कुटी हुई अदरक और हरी मिर्च डाल दे रहा हूँ। इसे 10 से 12 सेकंड मैं भून ले रहा हूँ और जो मसाले का पेस्ट मैंने बनाया था ना दही वाला, वो डाल दे रहा हूँ। गैस की फ्लेम यहाँ हाई करते हैं और इसे कॉन्टिन्यूस चलाते रहना है जब तक कि एक बॉयल ना आ जाए। बॉयल आ जाए तब आप इसे चलाना छोड़ सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे कॉन्टिन्यूस चलाया, अब मसाले भी हमारे पक के तैयार हो गए, किनारों से तेल निकलना शुरू हो गया है। यहीं पे मैं 1.5 ग्लास गरम पानी डाल दे रहा हूँ, अच्छे से इसे मिक्स कर दे रहे हैं। अभी मैंने नमक नहीं डाला था, यहाँ पे हम नमक डाल दे रहे हैं। फिर से इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम ढक कर एक बॉयल आने देंगे, कम से कम 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे इसे। ग्रेवी चेक कर लेते, ये देखिए एक बॉयल आ गई, कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बस जो पीसेस मैंने फ्राई किए थे ना, इसे हम डाल देंगे इसमें। मैं ये ना सूखे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, पापा को तो बहुत पसंद है, तो थोड़े से मैं सूखे रख लूँगा। मैं खुद भी खाता हूँ, ऐसा नहीं है, तो थोड़े से मैं बचा लूँगा। और इसे अब हम ढक कर एक बॉयल आने देंगे, 4 से 5 मिनट पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हम अपनी सब्जी चेक कर ले। ये देखिए ग्रेवी भी हमारी गाढ़ी हो गई है, बिल्कुल पनीर के पीसेस की तरह लग रही है, देखने में देख रहे हैं कितनी सुंदर लग रही है। 1/2 टीस्पून मैं यहीं पर गर्म मसाला पाउडर डाल दे रहा हूँ, ये घर का बना हुआ गर्म मसाला है, और धनिया की हरी पत्ती डाल दे रहा हूँ। मिक्स कर देंगे अच्छे से और इसे ढक कर 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। सर्व करते समय ना आप थोड़ी सी घी डाल दीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए बेसन की सब्जी हमारी बनकर तैयार है, बिना प्याज लहसुन टमाटर के, देख रहे हैं आप।